वर्ड मुझे नजर आते हैं। आर्टिस्ट बनोगे तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। मेरी 50 लाख में पेंटिंग सेल होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने हूँ। और आप मेहनत कर रहे हो ना, तो ये ज़रूर यकीन रखें अल्लाह ताला उस मेहनत का सिला ज़रूर देते हैं। मुझे पूरी दुनिया से इनविटेशन आ रहे हैं कि आप इधर आएँ और एग्जीबिशन करें, तो पाकिस्तान को यूरोप में, बाहर जा के बाहर कंट्रीज़ में इस्लामिक कैलीग्राफी को मैं प्रमोट कर रही हूँ। मैं हूँ डॉक्टर राबिया नूर और आज आपको मिलवा रही हूँ इस्लामिक कैलीग्राफर आयशा से, जिन्होंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया और अपने आर्ट के ज़रिए कुरानी आयात को कैनवस पर समाया। और जिन आर्टिस्ट के बारे में कहा जाता है कि वो कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या, आयशा उनके लिए मिसाल बन रही हैं, क्योंकि ये लाखों में कमा भी रही हैं और साथ साथ आलमी सतह पर शोहरत भी हासिल कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ अपने आर्ट और इस्लामिक कैलीग्राफी के ज़रिए। बेसिक एजुकेशन तो मेरी साइकोलॉजी में है, मैंने ग्रेजुएशन किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो ये साइकोलॉजी भी मेरा शौक़ था। लेकिन उससे पहले मेरा शौक़ था बचपन से इस्लामिक कैलीग्राफी का, तो ये दोनों साथ साथ ही मैंने वो भी स्टडी की और साथ साथ मैंने इस्लामिक कैलीग्राफी में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। साइकोलॉजी में जो मेन स्टडी जब स्टार्ट ही हुई थी ना, सबसे ज़्यादा शऊर लाशऊर वो बहुत ज़्यादा था। तो उसमें ये होता है कि कहते हैं ना कि जो शऊर में चीज़ें होती हैं लाशऊर में होती हैं वो सामने आती हैं, ठीक है। तो इस वजह से शायद मुझे बहुत ज़्यादा ना, जो मैं सोचती थी, जो मुझे वर्ड नज़र भी आते थे ना, उनको कैनवस पे मुझे लाने का, उससे मुझे हेल्प मिली है। वर्ड मुझे नज़र आते हैं, ठीक है, फिर मैं सोचती हूँ नहीं इसको ऐसे लिखूँ, फिर मैं ऐसे लिखने की कोशिश करती हूँ। हर पेंटिंग में मुझे ऐसे लगता है कि इसमें कोई स्टोरी है। पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से मुझे इन्विटेशन था, तो मैं यूरोप में मैंने जो एग्ज़िबिशन किए उससे तो मेरी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हो गई है। मुझे पूरी दुनिया से इनविटेशन आ रहे हैं कि आप इधर आएँ और एग्जीबिशन करें, तो पाकिस्तान को यूरोप में, बाहर जा के बाहर कंट्रीज़ में इस्लामिक कैलीग्राफी को मैं प्रमोट कर रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है। जब मैं अभी स्टूडेंट लाइफ थी मेरी, तो उत्तम में पेंटिंग कर रही थी, तो मेरी एक पेंटिंग 5,000 में बिकी, तो तब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरी पेंटिंग सेल हो गई है, तो बहुत ज़्यादा खुश थी, घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे। पाकिस्तान में तो बिल्कुल आर्टिस्ट के बारे में और जो कैलीग्राफी करते हैं उनके बारे में तो ये सोचा जाता है कि वो इससे कुछ कमा नहीं सकते, अपना खाना भी नहीं पूरा कर सकते, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखें, मेरी 50 लाख में पेंटिंग सेल होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने हूँ। लोग कहते हैं कि आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, नहीं ये होना चाहिए, आप इससे बनाओगे इससे नाम बनेगा, ठीक है। आर्टिस्ट बनोगे तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, मतलब इसमें ये है कि आपको पता नहीं आप इससे कुछ कमा भी पाओगे कि नहीं, इतनी मेहनत करोगे सारी ज़िंदगी, आपको शायद ऐसे ही लगते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आपको शौक़ है और आप मेहनत कर रहे हो ना, तो ये ज़रूर यकीन रखें अल्लाह ताला उस मेहनत का सिला ज़रूर देते हैं। और मुझे तो ये सिला देखें कि इस तरह मिल रहा है कि मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा, मैंने इतना नहीं सोचा था। मैं चाहती हूँ कि जैसे मुझे गवर्नमेंट लेवल पे ये अपॉर्चुनिटी मिली है ना, इस तरह और भी आर्टिस्टों को मिलनी चाहिए।